स्वागत तुसी देख रहे हो प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ वरुण कौर मान, सारे दर्शकों नूं जी आया। स्टूडियो च लगनियां ने बहुत सारियां रौनकां, बहुत ही उग्गे शख्स स्टूडियो दे विच पहुंचे ने। आवाज़ कमाल दी है। एक मैं ना तुहानूं इशारा जिहा करदी हां, उहनां दी आवाज़ नूं तुसी हर रोज़ सवेरे सुणदे हो। सुणांदी हां पहलां तुहानूं वो आवाज़, फिर देखदी हां कि तुसी गैस करदे हो कि नहीं करदे हो। आओ जी। सूरज दियां किरणा दा सतरंगा साज वजदा है, सूरज दियां किरणा दा सतरंगा साज वजदा है। पत्तियां दे हरे हरे हर फादा गीत जिवें, पत्तियां दे हरे हरे हर फादा गीत जिवें, कुदरत ने हुणे हुणे ही लिखिया लगदा ए। सूरज दियां कुदरत ने हुणे हुणे ही लिखिया लगदा ए। सचमुच इस नूं कदे भी सुन लो, इदां लगदा हुणे ताज़ा ताज़ा लिखिया गया है, ताज़ा ताज़ा रिकॉर्ड किया गया है, तो हर रोज़ एक ताजगी दिंदा है। ये आवाज़ किस दी है बहुत जाणियां नूं पता होना, तो कई जाणियां नूं नहीं भी पता होना। जे तुहानूं हले भी नहीं पता लगा, हुण मैनूं मजबूरन ना तुहानूं एक होर गीत दिखाउणा पैणा तां जो उस गीत नूं देखो, फिर तुसीं कहो है सच्ची इन्हां ने गाया। आओ दिखाउणी आ। ना पुछ ना पुछ सड़ा हाल सानू लुटे इशारे नाल कुड़ती सतरंग दी, ना पुछ सड़ा हाल सानू लुटे इशारे नाल कुड़ती सतरंग दी। हो गईया अखियां चार चार, दिल बैठे तैनू हार हार, हुण लारियां विच ना टाल गोरा रंग गोरा रंग सुनहरी बाल कुर्ती सत रंग। आवाज़ दे विच भी बहुत सारे रंग ने। अज स्टूडियो दे विच पहुंचे ने विनोद सहगल जी, जिन्हां ने दूरदर्शन के नवे साल के प्रोग्रामा दे उत्ते बहुत रौनकां लाईयां। घट्टो घट 68 फिल्मां दे विच लोकां दा मनोरंजन किया अपनी आवाज़ दे नाल। किन्ने ही उगे कलाकारां नूं इन्हां ने डायरैक्ट भी किया कि इदां गाओ। मैं कहनी हाँ जिनी तारीफ की जाए उन्नी घट है। तारीफा नूं रोकदी हाँ क्योंकि बहुत सारे सवाल भी पूछने ने, तो कर दिया उन्हां दा प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत। विनोद सहगल जी, जी आया नूं एक बारी फिर तो दूरदर्शन दे वेड़े विच तुहाडा तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया वरुण कौर मान जी जी, और देखण वाले सुन वालिया सारे शख्सियतां नूं सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जदों जिंदगी दी रेल गड्डी पटड़ी ते पैंदी है जी, ते हर किसी दे दिमाग दे विच आउंदा है पटड़ी ते पहुंची किवें है, ते जित्थों तक तुहाडे बारे सुनिया कि तुसीं किसी गायक तो इंस्पायर हो के इस लाइन च नहीं आए, तुसीं तो अपने डैडी तो इंस्पायर हो के इस लाइन च आ गए, की कहोगे शुरुआत? शुरुआत है जी, मैं मतलब जो होश संभालिया जी, तो मेरे पिता श्री सोहन लाल सहगल जी, वो एक बहुत ही वड्डे गायक सन, हालांकि उन्होंने प्रोफेशन नहीं सी, वो PNT डिपार्टमेंट च काम करते सी, तो उन्होंने कान मेरे आवाज़ पैंदी सी, तो मैंने शौक पैदा हो गया जी। तो स्कूल विच मैं जाके जो उन्होंने पता लगा मेरे फादर साहब नू कि उत्थे क्लास विच गांदा है जी, तो फादर साहब ने फिर उत्थे जड़े साढ़े अंबाले, मैं अंबाले दी मेरी पैदाइश है, तो उन्होंने फिर अंबाले दे जिन्ने उस्ताद सन, जिन्ने गुरु सन, उन्होंने गुरु जन को मैं ले जाके जी उन्होंने कोल मैनू सीखने वास्ते भेजे जी। उन विचों श्री चरणजीत जिज्ञासु जी ने, श्री आरम कुलकर्णी जी ने, श्री गणेश प्रसाद शर्मा जी ने जी, और सूरज प्रकाश जी ने, आशा छाबड़ा जी ने, बहुत सारे लोग, यानी सारे ने मैं आशीर्वाद दिता जी। और फिर ये होया कि जदों इतों तक पहुँच गए जी, स्कूल च इनाम मिल जाने, फिर कॉलेज भी दाखला लिया, हालांकि पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो सकी, ज़्यादा कि मैं तो हो ही नहीं सकी कॉलेज च, मैं मैट्रिक तो बाद कॉलेज 2-3 साल जाता रहा जी, लेकिन मैं किसी भी क्लास विच मतलब मैं एग्जाम च बैठा ही नहीं,
खाली एडमिशन लेंदे सा। अच्छा जी। वो फ्री मिल जांदी सी, पैसे अच्छा। साडे लगदे नहीं सन। अच्छा, वो चाहते सी कि भी ये हर बार ये बंदा जो है यूथ फेस्टिवल करे। हाँ देखिया। तो फिर वो फिर उस तरह साडा चलता रहा जी। अच्छा, फिर उस तो बाद एक सवाल ये आंदा कि असी इतों तक तो पहुँच गए जी, ये तो एक लोकल लैवल की जी शोहरत है जी, हुण अगे की करना है जी? अगे रोजगार की समस्या आती है तो मेरे सामने कोई टारगेट नहीं सी जी, क्योंकि उन्नी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई सी जी, कोई घरेलू ऐसा बिजनेस नहीं सी, ते रस्ता तलाश करना सी जी। ते बचपन तो एक आवाज़ ने मैनू हिप्नोटाइज किया सी, अपने वल खिंचिया। हाँ, वो आवाज़ सी जनाब मोहम्मद रफी साहब की। वाह। बस उन्होंने सुनने तो बाद जिथे जाता सा, उस वेले तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं आते सी जी, बाजार च जाना, जिथे जाना, जिथे लाउड स्पीकर ते गाना उन्होंने सुनना, उत्थे खड़े हो जाना। वाह। लाटरियां दी दुकानां ते लंघदे लंघदे बाजार च खड़े हो जाना। मैनूं आ इक फिल्मी सीन लग रहा कि किते गाना बज रहा, तुसीं तुरे तुरे जांदे खड़े हो गए। हाँ जी, वो बस वो फिल्मां वाली जाना सी ते वह फिल्मी सीन बिफोर फिल्म ये तुहाडे सामने आ गया जी। ते वो फिर अल्टीमेटली ये होया कि एक परिवार दे नाल मुलाकात हुई, जिहड़े अंबाले आंदे हुंदे सन बॉम्बे तो जी, तो उन्होंने पता लगा, मैं उन्होंने जाके गाना सुनाया। वो म्यूजिकल फैमिली सी। अच्छा जी। उन्होंने फादर साहब बहुत बड़े म्यूजिक एक्टर एक जमाने रहे ने जेड़े इतने आते सन, मास्टर लच्छी राम जी। उन्होंने सुने, कहने लगे बेटे अभी तुम छोटे हो, जो तो वड्डे हो जाओ तो तुसी हमारे घर पर आके रहना। अच्छा जी। तो असी तो गल फड़ ली, वो खतों किताब चिट्ठियाँ उन्होंने लिखना, उन्होंने मैं जवाब दे देना जी। इस तरह फिर कॉलेज का जरा टैंपरेरी जहाँ आना जाना पढ़ना पढ़ाना की सी, म्यूजिक का गाना बजाना सी जी, विच विच बॉम्बे के चक्कर लगाता सा, उन्होंने घर रहा हूँ सा जी। तो 1975 च मैं फाइनली अपनी अटैची बनी। वाह। तो तीन चार जोड़े कपड़िया के पा के तुर पिया मैं। उदा एक गल है कि पुराने समय के चीज़ बड़ी देखने मिलती सी कि जो किसी ने अपने सुपने साकार करने होंगे सी तो उसने अपना टैची बनना, विच कपड़े पाने ते चले जाना बॉम्बे नू। पर कहा जाता है कि बॉम्बे जाना सौखा है, उत्थे जाके रहना बहुत औखा, स्ट्रगल बहुत औखा। ये बड़ी वड्डी चीज़ है, उत्थे जाना, पहुँचना, स्ट्रगल करना, ये सारा कुछ उत्थे अपने आप नू स्थापित करना बड़ा समा लगता। देखो जी, वो परिवार जिहड़ा वो मास्टर लच्छी राम जी दीआं बेटियां काफ़ी एजड सन, उन्होंने भी जवान जवान बच्चे सन जी। मैं खाना उन्होंने घर खाँदा सा, बच्चों की तरह उन्होंने घर रहा सा, बिल्कुल फैमिली मैंबर की तरह, जिम्मे बच्चे उन्होंने उन्होंने बच्चों की तरह मैं उत्थे रहा जी। तो उन्होंने बहुत वड्डा घर सी जी, तो मैं इस चीज़ की शुरुआती कोई दिक्कत नहीं आई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अगे किस तरह वधना है जी, तो साढ़े अंबाले जेडे गुरु जी सन श्री चिरंजी लाल जिग्यासु जी जी, उन्होंने घर एक बार अंबाले ही श्री हंसराज बहल साहब म्यूजिक डायरेक्टर आए सन जी। वो साडे गुरु जी के शागिर्द रहे ने। अच्छा जी। एक जमाने च जी, ते उन्होंने गाना सुनाया, तो उन्होंने भी मैंने कहा कि भी बेटा बंबई आना तो मुझे मिलना। तो एक तो मेरा रहन का ठिकाना पक्का हो गया जी, दूजी गल कि मैं बहल साहब नूं मिलना सी, तो बहल साहब का मैं पता ठिकाना मैंने पता लग गया जी। मैं बहल साहब नूं नटराज स्टूडियो च मिलिया जी, उन्होंने मैंने पछाण लिया और कहा कि अच्छा अच्छा बैठो बैठो, ते बेटा तू आया कर जी। अच्छा, मैं फिर दो चार दिन बाद चला गया, फिर कहने लगी तू रोज ही आया कर। वाह। रोज ही आया कर। हाँ। ते वो वृद्ध अवस्था सन जी, ठीक है, आराम तके लैके बहंदे होंदे सन। फिर उन्हां दा की सी, सॉरी, सुबह सुबह के टाइम है ना जी जी जी, नहीं ऐसी समझदे हां। ते वो आराम तक ये लेके बैठदे सी और तरस सोचदे सी। अच्छा जी। केड़ी सिचुएशन है। अच्छा। गाना कैसा बनाना है जी, और एक एक सिचुएशन ते 15-15, 10-10 गाने बना देने। ओ। और कोई टेप रिकॉर्डर नहीं होंदा सी, उन्हां दे टेप रिकॉर्डर मैं सा। अच्छा जी। यानी असी गाना असी लिखना और तर्जा उन्हां दे ओ खुद मुखड़े बड़े कढ़दे होंदे सन, खुद ही लिख लैंदे सी, राइटर बाद च लिखता सी जी। बस वो करदे करदे आ वो एक प्रैक्टिस जी हो गई
बिल्कुल फिर हौली हौली थोड़े तक पहुंचन लग गया, वो चीज़ दी प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस हो गई और ये काम जड़ा काम है, मैं फिल्म इंडस्ट्री का जड़ा पहला पैसा जड़ा मैं मिलया वो हाईलाइट है कि रफी साहब दे दर्शन होए। पैसे तो मैं वैसे जिक्र कर रहा जी पहली रिकॉर्डिंग मेरे मौजूदगी दे विच हुई जी, वो जनाब मोहम्मद रफी साहब दी हुई जिन्हां दे मैं बचपन तो दर्शन करना चाहता सा, उन्हां दी आवाज़ दा फैन सा। उसी दौरान रफी साहब भी आंदे सी, रफी साहब ही मेरे ते फेवरेट ज़्यादा रहे ने जी। फिर लता जी दे गाने होए, आशा जी दे गाने होए, महेंद्र कपूर साहब दे गाने होए, इन्हां सारे सिंगर्स नूं मैं जी रिहर्सलां कराइयां नज़दीक तो सुनिया ते ये महसूस किया कि जिहड़ा गाना कंपोज होया जी उसका अग्गे जाके की स्वरूप बनता है, मास्टर जी की बनाते ने जी, उसनू मैं फिर गांदा वो एक जिन्हों कहते स्टैंड बाई सिंगर जी, जी। वो मैं काम करता रहा ते अग्गे जाके वो फिर उसका स्वरूप एक परिपक्व सिंगर जिन्हों पक्का सिंगर कहते हैं उस तो बाद वो फिर गाने ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਬਣਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਜਰੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੁਨਤਾਜ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਨਤਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਟਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਮੁਨਤਾਜ ਦਾ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ मैं टाइटल बहुत सारे गाए ने जी, कोई भी सुना दे। हाँ ठीक है, जो थोड़े दिल दे करीब हो पे। मिर्जा गालिब जी, मिर्जा साहब ने बनाई सी जी, और जगजीत सिंह साहब का म्यूजिक सी जी। हर भी दुनिया غالب کا ہے انداز بہت خوب بہت خوب۔ اس تو بعد پھر گلزار صاحب دی دیکھ رہے کہ ایک سیریل بنیا سی جی، پپٹ سیریل سی جی، پوٹلی بابا کی جی، وہ بھی کہو تو سناواں جی، ضرور ضرور۔ आया रे आया रे बाबा आया, घूंघर वाली चेन वाली झुन्नू का बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का छाबा, घूंघर वाली चेनू वाली झुन्नू का बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का छाबा, आया आया चेनू वाली झुन्नू का बाबा, आया आया चेनू वाली झुन्नू का बाबा, आया रे बाबा परियों के पर, मंदिरों की घंटियां कलीसाओं का वा, पोटली में हरी भरी परियों के पर, मंदिरों की घंटियां कलीसाओं का वा, आया आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा, आया आया छेनू वाली झुन्नू का बाबा। अब तुसी सोचोगे ये बोल की ने जी, घूंगर वाले कुंगरू वाले कुंगरू वाले हाँ जी, वो छेनू एक पक्षी का नाम है जी, छेनू ते उदी जड़ी वाइफ है प्रेमिका है वो झुन्नू है। वाह, ते घूंगर वाले छेनू वाली झुन्नू का बाबा, वाह ये गुलजार साहब ने लिखा था। वाह, तो हमने पूछा उनसे हाँ। कि तुसी दसो, तो कहंदे जी
भूंगर वाली चेनू वाली झुन्नू का बाबा, किस्सों का कहानियों का गीतों का छाबा, आया आया चेनू वाली झुन्नू का बाबा। बहुत खूब बहुत खूब। तो 1980 दे विच जगजीत सिंह होनी इंट्रोड्यूस करते ने, पर उस तो पहला ही तुहाडी उनां दे नाल मुलाकात हो जाती है जी। उनां दे नाल मुलाकात का सबब किवें बणिया? इस तरह जी, जो हंसराज बैल साहब दे कम करदा सा जी एज असिस्टेंट, उस वेले मैं एक ट्रांसपोर्ट दे गोदाम विच रहिंदा हुंदा सा जी। ट्रांसपोर्ट दे गोदाम विच मैं रहना जी जी। इस मोबाइल नूं मैं एक पासे रख दिया, सॉरी जी, कोई गल नहीं। अजकल दी कह लो बहुत वड्डी लोड है मोबाइल नहीं, मैं भूल गया, गाने भी लिखे जान लग गए, सो मोबाइल दी कोई वड्डी गल नहीं है। मैं भूल गया। नहीं नहीं, इहदे विच फिर की है, तां हर किसे कोल है, हर किसे नूं पता है। तुसी देखो कि किन्ने सोहणे गाने चल रहे ने, और सुन के आवाज सुन के तुहानूं इन्ना ताज़ा महसूस हुंदा है, बहुत सहजता तुहाडी आवाज दे विच, तरोताज़ी आवाज। दूरदर्शन दे नाल जुड़े किन्ने सारे डीडी पंजाबी दे लई वी तुसी गीत सुनाए, उहदे ते वी मैं जरूर आउणा, पर आ गल कंप्लीट करन तों बाद। इह गल इस तरह है जी, जदों हंसराज बहल साहब दी मैं काली काली गल कर रहा, समझ भी शायद लोकां नूं आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं नहीं, बिल्कुल आ रही है। टाइम घट है ना जी। तो जो बैल साहब को जाते सो मैं एक ट्रांसपोर्ट के गोदाम के रहा हों, वो घर छड़ दिता से जिते मैं शुरू शुरू गया, तो ट्रांसपोर्ट के गोदाम के मेरा बिस्तरा लगता सी रात के 8 बजे तो बाद जी। टेबल सी तो उत्थे रहा सा, वो मालिक जोड़े से मेरे दोस्त बन गए, उन्होंने गाने का बड़ा शौक सी सुन का, तो नटराज स्टूडियो बिल्कुल उदे नेड़े सी। वाह, अच्छा जी। ते बस इथों निकले तैयार तो रोक गए तो नटराज स्टूडियो पहुँच गए, और उत्थे मैं गाँदा सा पागलों की तरह रियाज करना जी। तो उत्थे जाते जाते एक बंदे ने मेरी आवाज़ सुनी लंघदे, वो उन्होंने नाम से हरीश वानकर जी, वो जगजीत सिंह साहब नाल तबला बजाते होंगे सी। वाह। वो कहते यार तुम इतना अच्छा गाते हो। मैं कभी मैं ऐसे बैल साहब के बस काम करता हूँ जी। कहते आओ तुम्हें जगजीत सिंह साहब से मिलवाते हैं। मैं कहा वो तो खुद बड़े अच्छे सिंगर है, हेल्प नहीं करता कोई सिंगर किसी की। कहते अरे तुम उस इंसान को जानती नहीं, चलो। तो एक दिन फिक्स करके उन्होंने जगजीत जी तो पूछ के मैनू लै गए। अच्छा जी। तो जगजीत जी ने मैं सुनिया जी, ये 1980 की ही गल है जी। उन्होंने सुनिया तो कहने लगे तू गाना तो अच्छा है पर थोड़ी होर इसनू थोड़ी उस तरतीब देने की लोड़ है जी। मैं कहा जी ठीक है, फिर आपकी शरण में आ जाते हैं। हाँ जी। तो वो कहने लगे ठीक है। उत्थे आना जाना शुरू हो गया, असिस्टेंटशिप छुट गई, उन्होंने एक पहले एक परफॉर्मेंस मैंने चांस दिता अपने नाल जी। फिर उन्होंने ही 1980 दे दिसंबर दे विच मैं फिल्म रावण एक बनी सी जी, स्मिता पाटिल जी उहदे विच हैगे सन जी। उहदे विच मैं सब तो पहला गाना मिलिया गाण नूं, जिहड़ा थीम सोंग सी, और इतफाक दी गल है अज मैं जलंधर च बैठा जी, और जलंधर दे ही शायर जनाब सुदर्शन फाकर साहब दा लिखिया होया सी जी जी जी। ते कहो ते मैं दो लाइनें सुनावां जी। जरूर सुनाओ। इश्क से गहरा कोई न दरिया, इश्क से गहरा कोई न दरिया, डूब गया जो उसका पता क्या, लैला जाने मजनू जाने हीर ये जाने राजा जाने, तू क्या जाने दीवान ये बातें तू क्या जाने, इश्क में बिछड़े ऐसे रोए जैसे सावन की बरसातें, उम्र मिलन की पल से छोटी सदियों लंबी हिजर की रातें,
रेशमा जाने शेरा जाने साहिबा जाने मिर्जा जाने तू क्या जाने दीवाने की बातें तू क्या जाने। बहुत खूब। माचिस फिल्म दे भी तुहाड़े गीत बहुत मकबूल होया, ओ जरूर सुनना चाहांगे। ओ लास्ट भी सुनावांगे जी। जी मैं कहनी हां तुसी पहले ही सुना दियो, समय दा पता नहीं हुंदा कदों बीत जांदा। ठीक है, एक्चुअली स्केल मिलया आया ना जी, ते एक तुहाडा गुण नालो इश्क मिठा गाना भी घर घर वज्या मकबूल होया जी। मैं दो दो लाइनां हुण मैं ज्यादा लंबा नहीं करांगा जी। जी जी बिल्कुल। ते एक ना मैं एक उभरदे हुए शायर ने जी हुण दीयां चार लाइनां लैके जरूर जरूर सानू तां सुनण नाल मतलब है जो तुहाडा दिल करे। होर चढ़े ना रंग कोई मैनू, होर चढ़े ना रंग कोई मैनू, मैं बिरहा रंग चढ़ावा, बिरहा मेरा कजल बनया, मैं अखियां विच पावा। होर चढ़े ना रंग कोई मैनू, बिरहा रंग चढ़ावा, बिरहा मेरा कजल बनया, मैं अखियां विच पावा। नी सही ओ मैं अखियां विच पावा। कौन ने लेखक? ये लेखक ने जी मेरी पहचान तो बड़ी पुरानी है जी, ओ राज वियोगी करके लिखते ने जी, वैसे पंजाब पुलिस डीएसपी है गे जी। हुण आप आ जाइए गुड़ नालो इश्क मिठा ते, जां फिर चप्पा चप्पा चरखा चले, जां फिर छोड़ आए हम वो गलियां, जेड़ा थोड़ा जी करदा जब आपका जी जो हो मैं वो सुन। गुड़ नालो इश्क मिठा। अच्छा जी। ओ पट्टी खोल वही वाल ने पट दसे, पट पट सन अख ना जाए पट्टी, ओ पिट पिट के सोनी बेहोश होई, कौन बने ते कौन बनाए पट्टी, होश आई ते फिर ओ कहन लगी वे तेनू किसने ओ पट जाने ने चीर ले पट अपने, ताके सोनी भी नाल ही जाए पट्टी। गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, गुड़ नालो इश्क मीठा ओए होए, रब्बा लग न किसे नू जाए, गुड़ नालो इश्क मीठा। बहुत खूब। अवार्ड भी ताड़ी झोली च बहुत पए होने हैं। देखिए जी अवार्ड वास्ते अवार्ड देने वाले नूं आपे ही पता सी, उन्होंने आपे मन दिते ने जी। हरियाणा च मिले उन्हें अवार्ड जी, हरियाणा गौरव सम्मान जी मिलिया, और रफी अवार्ड अमृतसर तो मिलिया, और हरियाणा दा गजल सराई अवार्ड उर्दू अकैडमी की तरफों मिलिया जी, और बड़े अवार्ड है शाम 84 तो मैंने अवार्ड मिलिया जी, उस्ताद सलामत अली खान साहब का एक अवार्ड देंदे ने वो मिलिया, बहुत सारे मिले ने। ते ढेर लग्या पे वो जड़े की कहते हैं मोमेंटो दाते, लेकिन अवार्ड जड़े है तो मैं दस चुके हैं। दूरदर्शन के नाल तुहाडा सफ़र बहुत प्यारा रहा हमेशा ही, तुसीं नवे साल के प्रोग्राम भी किए दूरदर्शन के जदों आदे आए हो साडे नाल जुड़े हुए हो, हमेशा ही जुड़े रहो, कोई खास गल जिहड़ी साडे नाल जानते हुए जरूर करना चाहूँ क्योंकि टाइम बहुत काट रहा है। अच्छा टाइम काटे तो मैं ये कहूँगा कि दूरदर्शन एक देश है
बॉम्बे प्रदेश लगा लेकिन वह भी देश से उदो ये प्रदेश लगा जी तो उतों मैनू शोहरत मिली है जी इसलिए बॉम्बे मेरी माँ है और ये डबल माँ है और यहाँ दूरदर्शन के बंदियां नहीं इतों के कलाकार नहीं मैनू इत्थे लिआंदा और इत्थे दे जितने डायरेक्टर साहबान ने सारे ने मैनू बहुत प्यार दिता जी। और फिर हम ये अब गाना गाते गाते लेकिन हालांकि छोड़ा है हम वो गलियां दा अगर एक लाइन कहो तो सुना देना बिल्कुल मैं कह दिंदी अपने दर्शकों नूं कि असीं विनोद जी हुणां दा प्रोग्राम दे विच आउण ते धन्नवाद करदे आं तुसीं वी साडे नाल जुड़े पर जांदे जांदे तुहानूं एक गाना जरूर असीं सुणा के जावांगे जहां तेरे पैरों के जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे हंसे तो दो गालों में बवर पड़ा करते थे तेरी कमर के बल पर नदी मुड़ा करती थी हंसी तेरी सुन सुन कर फसल पका करती थी छोड़ा हम वो गलियां छोड़ा दिल दर्द का टुकड़ा है पत्थर की डली सी है